The Islamic Golden Age was a period of cultural, economic, and scientific flourishing in the history of Muslim people. Ibn al-Nafis, who first understood blood circulation in the body, that saw the first Islamic hospital, which was built in 805 in Baghdad. Assalamu alaikum. 1000 साल पहले इलाज कराना ना सिर्फ सबके लिए मुफ्त था, बल्कि इलाज का तरीका भी इंतहाई नफीस था। जैसे कि मुसलमानों को बीमारों का इलाज फराहम करने का एजाज़ हासिल है, इस्लाम के गोल्डन एज में हॉस्पिटल्स को फाइनेंशियल एड देने के लिए मजहबी फंड्स होते थे, जिन्हें वक्फ कहा जाता है। इस्लामिक हॉस्पिटल का आगाज़ 8वीं सदी में बगदाद में हुआ। इन हॉस्पिटल्स में सभी के लिए बेहतरीन इलाज मुफ्त किया जाता था। अहमद इब्न तुलून हॉस्पिटल एक इनक्रेडिबली एडवांस इंस्टीट्यूशन था। यहाँ हर किसी के लिए मुफ्त इलाज के साथ बेहतरीन सर्विसेज दी जाती थीं, जैसे कि मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बाथ हाउसेस, शानदार लाइब्रेरी और जहनी मरीजों के लिए एक अलग सेक्शन हुआ करता था, और कीमती सामान रखने के लिए उस दौर में सेफ्स भी हुआ करती थी। मेडिवल इस्लाम पीरियड में मुसलमानों ने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए थे। ये सिसली, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और अंडलुशिया तक ये पूरी मुस्लिम दुनिया में फैले हुए थे। उस वक्त के मुस्लिम सर्जन्स ने शानदार इंस्ट्रूमेंट्स और प्रैक्टिसेस को डिज़ाइन किया, जिनमें से फोर्सेप्स, कटिंग एज ट्रीटमेंट्स, कैटरेक्ट ऑपरेशंस, रेगुलर वैक्सीनेशंस, इंटरनल स्टिचिंग और बोन सेटिंग का शुमार अहम है। ना सिर्फ ये, बल्कि 800 साल पहले मुसलमानों के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स भी थे, जहाँ बिल्कुल आज की यूनिवर्सिटीज़ की तरह स्टूडेंट्स वन टू वन और ग्रुप स्टडी दोनों ही करते थे। इनमें से एक मेडिकल स्कूल अरनूर हॉस्पिटल दमस्कस में था। बहुत से मशहूर मुस्लिम फिजिशिस्ट इन मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुए और उनका काम आज भी मेडिकल साइंस फॉलो करता है। अगर आपके सामने एक ट्रे में कुछ 20-25 ऑडली शेप्ड मेटल टूल रख दिए जाएं, तो आपको यकीनन यही लगेगा कि ये आज के दौर के इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल टूल्स हैं। लेकिन आपकी ये सोच आगे जो मैं कहने वाला हूँ वो सुनने के बाद बदल जाएगी। 10th सेंचुरी, स्पेन में अब्दुल कासिम अज़हरवी ने अपनी खुद की मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया अल तशरीफ लिखी, जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज ईजाद किए और 200 से ज़्यादा सर्जिकल टूल्स को दुनिया से मुतारफ़ कराया। अपनी इंसाइक्लोपीडिया में स्क्रैपर जैसे टूल के साथ यूरिनल स्टोन्स को क्रश करने के लिए ड्रिल और सिस्टोलिथोटॉमी जैसी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए नाइफ्स का इस्तेमाल भी उन्होंने ही किया। तारीख देखी जाए तो हमें ये मालूम चलता है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआती इजादों का एजाज अल ज़हरवी को ही हासिल है। इंटरनल स्टिचिंग के लिए कैटगन, बोन रिप्लेसमेंट फॉर लॉस्ट टीथ, यहाँ तक के ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कॉटन का इस्तेमाल भी इनके ही नाम में आता है। इब्न सीना और इब्न नफीस जैसे मशहूर मेडिक्स को बोन फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स, कैंसर, पल्मोनरी सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे सब्जेक्ट में बेहतरीन महारत हासिल थी। 10th सेंचुरी में इराक के अल मंसली को द मोस्ट क्लेवर आई सर्जन ऑफ द होल अरेबियन लिटरेचर का खिताब हासिल था। उसी दौर के अली इब्न सीना ने अपनी बुक के जरिए 130 से भी ज्यादा आई डिसीजेस के बारे में बताया। नर्व पैरालिसिस, ब्लड डिसऑर्डर और मुख्तलिफ सिर और दिमाग की बीमारियों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स भी हमें उसी बेहतरीन दौर से मिलती है। दूसरों की ज़िंदगी बचाने का जज्बा आज से 1000 साल पहले ही मुसलमानों के दिल में धड़क रहा था। आज अगर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी अपने इंतहाई नफीसी बुलंदी पर पहुंची है, तो उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने सदियों तक जिद्दत की, जद्दोजहद की और अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की ज़िंदगी बचाने के मकसद के लिए वक्फ कर दिया।